पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार राजस्थान से राज्यसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मनमोहन सिंह का कल राजस्थान की विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे वो। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में एक भी सदस्य राजस्थान से नहीं है। बहरहाल संख्या बल के गणित के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीत तय मानी जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर बड़े अंतर या निर्विरोध तौर पर जीत दर्ज करते हैं तो इसका राष्ट्रव्यापी संदेश जाएगा। अभी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में राजस्थान का एक भी सदस्य नहीं है। राज्यसभा का ये उपचुनाव राजस्थान की कांग्रेस के लिए संसद में खाता खोलने वाला बन सकता है। कांग्रेस ने देश के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। अभी 198 विधायकों में 122 विधायकों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन बताया जा रहा है। इन चुनावों में राजस्थान से पहला सांसद कांग्रेस पार्टी से होने के प्रबल आसार हैं। राज्य की विधानसभा में कांग्रेस वोटों की गणित में बीजेपी से आगे है। साथ ही बीएसपी के 6 विधायकों, 13 निर्दलीय, पीटीपी के 2 और आईआरएलडी विधायक का समर्थन अशोक गहलोत को प्राप्त है। लिहाजा कांग्रेस के लिए चिंता की कोई वजह हो नहीं सकती। सीपीएम के 2 विधायकों का समर्थन भी मिलने की उम्मीद है। बीएसपी के वोटों का निर्णय मायावती ने कर दिया है। अभी तक सेकुलर विचारधारा के तौर पर वो कांग्रेस के साथ है। उधर विरोधी दल के संख्याबल की बात करें तो 72 विधायक बीजेपी के हैं और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 2 विधायक एनडीए के साथ जाएंगे। 2 सीटें खीवसर और मंडावा में विधानसभा के अभी उपचुनाव होने हैं। माना यही जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की इमेज मिस्टर क्लीन की है। वो विराट व्यक्ति के धनी और दलगत सियासत से ऊपर रहे हैं और देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उम्मीदवार सामने आया तो चुनाव दिलचस्प हो सकता है। ऐसे में वोटों की जोर तोड़ की गणित सामने आ सकती है। धारा 370 के फैसले के बाद बीजेपी उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरीखे व्यक्तित्व के सामने उम्मीदवार उतारना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रति सम्मान रखते हुए ये घोषणा करनी चाहिए थी कि मनमोहन सिंह जी जैसा विद्वान आदमी, देश का पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री जो व्यक्ति रहे हैं, उनके कद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से और अपनी तरफ से पहल करते हुए ये कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी अगर मनमोहन सिंह जी चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घोषणा करती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी एक अच्छा संदेश जाता और लोग जो उम्मीद करते हैं कि अच्छे विद्वजन, बड़े आदमी जिनको हम सही मायने में एक विशाल व्यक्तित्व कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान हर आदमी देखना चाहता है और हमें खुशी है कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार उतारने पर ही चुनाव की नौबत है, वरना डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीत तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति यही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे परिणाम के साथ राजस्थान से राज्यसभा में पहुँचे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा और योगेश शर्मा की रिपोर्ट।